राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कटनी अस्पताल को बड़ी सौगात दी है। तन्खा ने आम लोगों के लिए अस्पताल को प्लाज्मा मशीन की भेंट दी है। इस मशीन के आ जाने से तमाम पीड़ितों को लाभ मिलेगा। कटनी जिला अस्पताल को प्लाज्मा मशीन की सुविधा मिल गई है। कटनी पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने इसका शुभारंभ किया। सभा के दौरान तन्खा ने कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने थिंक जबलपुर का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, उसी तरह से थिंक कटनी का कॉन्सेप्ट भी शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ कटनी की बात करें। उन्होंने कहा कि हम इस साल दिल में सुराख की बीमारी से पीड़ित करीब 1000 बच्चों की सर्जरी करा रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हम इंदौर में ऐसा अस्पताल बना रहे हैं जहां पर सिर्फ मरीज होंगे, बिल के काउंटर नहीं होंगे। सभा को संबोधित करने के बाद राज्यसभा सांसद ने प्लाज्मा मशीन का शुभारंभ किया। उनके द्वारा ही सांसद निधि से कटनी जिला अस्पताल में प्लाज्मा मशीन के लिए 27,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। प्लाज्मा सेपरेटर, ब्लड सेपरेटर, प्लेटलेट्स जो होते हैं उसके लिए हमको अलग से ब्लड को सेपरेट करना पड़ता है, वो यूनिट हमने 33 लाख रुपए का है, इसको लगवाया दे दिया है जो आ गया। अब कुछ दिन में, 2-4-10 दिन में टेक्नीशियन उसको स्टार्ट भी कर देंगे। सिमिलर मैंने मशीन जबलपुर में भी मेडिकल एल्गिन हॉस्पिटल को दी है, नरसिंहपुर में दी है, मंडला में भी शायद दी है, 3-4 जगह दी है, क्योंकि बिना इस मशीन के जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिवांशु मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं, थैलेसीमिया, पीलिया, डेंगू जैसे अन्य बीमारी के मरीजों को इससे राहत मिलेगी। कटनी जिले के कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार के जनप्रतिनिधियों से मशीन की मांग की थी, लेकिन किसी ने मांग को पूरा नहीं किया था, जिससे उसके बाद युवा कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से मशीन के लिए राशि स्वीकृत कराने की मांग की थी, जिसे तन्खा ने पूरा किया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।